हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले पोको M3 Pro 5G मॉडल। इसके अंदर प्रॉब्लम आपके पास आता है तो डिस्प्ले लाइट और नो ग्राफिक्स, तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादातर फ़ोनों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, डिस्प्ले लाइट उड़ जाते हैं। क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उसमें सेट में चले जाता है पानी। कई बार ये कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से भी हमारा जो लाइट सेक्शन है वो ख़राब हो जाता है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके के कनेक्शन है और चार लाइन टोटल CPU में गई हुई, एक लाइन हमारी गई है पावर में, यानी पावर आया है एक लाइन से, पावर IC से। एक लाइन पावर दे रही है और चार लाइन जो है CPU से सिग्नल भेज रही है लाइट बंद चालू करने का। और ये जो तीन कनेक्शन है वो लाइट ऑन होने के है। और इसमें से मेन कनेक्शन हमारा ये ऑरेंज वाला रहता है 31 पिन नंबर का, और 33 और 34 माइनस रहता है। तो इस तरीके से कनेक्शन है। अगर आपको कुछ और देखना होगा इसमें, देख लीजिए अच्छे से कनेक्शन। तो अब आ जाते हैं हमारे नो ग्राफिक सेक्शन में। तो नो ग्राफिक सेक्शन में कैसा रहता है गाइस, ज़्यादातर ये पॉइंट एक आधा ब्रेक हो जाते हैं बीच में से, तो हमारा डिस्प्ले आना बंद हो जाता है। या तो फिर कई बार क्या होता है, ये ग्राफिक्स IC खराब हो जाती है और कॉइल उड़ जाता है या कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी डिस्प्ले लाइट में प्रॉब्लम आता है। तो डिस्प्ले लाइट IC को फिर से आप देख लीजिए, ये IC पावर दे रही है जैसा लाइट IC में मिल रहा था, तो इसी तरीके से IC पावर देती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आप देख लीजिए। और इन्होंने क्या किया है, इस बार कंपोनेंट ही हटा दिए भैया जी, डायरेक्ट CPU में ट्रैक दे दिया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी अभी नई नई कंपनियाँ लाते जा रही है, उसकी वजह से बनाने में थोड़ी तकलीफ ना आए आप लोगों को। तो देख लीजिए इस तरीके का डायग्राम है। और अब मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।